हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम का। जो हमने इससे पहले जो फर्स्ट टॉपिक पढ़ा धारा का चुंबकीय प्रभाव, दैट मीन्स गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम धारा के चुंबकीय प्रभाव को पढ़ रहे हैं। पहला वीडियो आपने देखा होगा तो उसमें मैंने इसका बेसिक फंडामेंटल बताया था कि कैसे ऑस्टेड ने बताया कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। फिर एम्पियर ने तैरने के नियम में बताया कि किधर चुंबक का उत्तरी ध्रुव विक्षेपित होगा, किधर दक्षिणी ध्रुव विक्षेपित होगा, फिर मैक्सवेल के नियम, और फाइनली आपने पढ़ा बायो सेवर्ट का नियम। ये आपने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा है। अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं और अब हम पढ़ेंगे बायो सेवर्ट के नियम के अनुप्रयोग। क्लियर? तो ये देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में, चाहे आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हों, ऑल इंडिया में किसी भी बोर्ड के आप स्टूडेंट होंगे, तो बायो सेवर्ट के दो एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले हैं, उसमें से एक 100% आना है। आप अपने न्यू सिलेबस के साथ उसको मैच करा लेना, हो सकता है इस साल दोनों एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन ना हो तो केवल एक अनुप्रयोग हो, तो उसका तो आना लगभग तय है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आपको इसको तैयार करना है। देखिए, हमारा टॉपिक है बायो सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग, मतलब बायो सेवर्ट के नियम का क्या अनुप्रयोग है, ये हमको पढ़ना है। जिसमें पहला अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे सरल रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र। इंग्लिश में कहेंगे हम स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। क्लियर? सरल रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, दैट मीन्स क्या है ये, स्ट्रेट लाइन कंडक्टर। तो सरल रेखीय चालक है अपने पास, एक सरल रेखीय चालक, और इसके कारण हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना करना, ये बायो सेवर्ट नियम का पहला अनुप्रयोग है। देखिए, आपको पता है कि बायो सेवर्ट ने जो नियम बताया DB इक्वल टू IdL साइन थीटा बन आर स्क्वायर, दैट मीन बायो सेवर्ट ने बताया कि यदि किसी चालक में हम धारा प्रवाहित करें तो उसके चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसके किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो पहला एप्लीकेशन है हमारा कि सपोज हमारा चालक क्या है, सरल रेखीय चालक है, मतलब स्ट्रेट लाइन कंडक्टर है, और उसके कारण जो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो इसका एक फिगर है, इस फिगर को सबसे पहले आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर मैं एक चित्र, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरा कैलकुलेशन चित्र पर ही बेस्ड रहेगा। ये एक सपोज अनंत लंबाई का रेखीय चालक है, यह रेखीय चालक है, और इस रेखीय चालक में सपोज हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं I, इस पर प्रवाहित धारा का मान कितना है, I है। अब यदि हम इस चालक से कुछ दूरी पर, सपोज हमने चालक से ये एक डिस्टेंस लिया और यहाँ पर मान लो चालक से ये R दूरी है, यहाँ पर दूरी को हम D ले लेते हैं, R आगे भी सपोज करना है D, यहाँ पर कोई बिंदु है P। चित्र को ध्यान से समझिए क्योंकि पूरा कैलकुलेशन चित्र पर ही आधारित है, यह कोई बिंदु P है। तो इस चालक में धारा प्रवाहित करने से यहाँ पर जो बिंदु P है वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का हमको क्या करना है, गणना करना है। इसके लिए हमने क्या किया, इस चुंबकीय, इस चालक पर एक अल्पांश ले लिया AB। AB एक अल्पांश है, छोटा पार्ट है, क्या आपको पता है कि बायो सेवर्ट का नियम हम क्या करते हैं, अल्पांश के लिए लगाते हैं, और इसकी लंबाई को हमने ले लिया सपोज DL। क्लियर? अब हम क्या करते हैं, इस
अल्पांश को जिस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करनी है उससे हम मिला देते हैं इस प्रकार से। तो ये हमने इसको मिला दिया और यहाँ से इस पॉइंट को ही मिला देंगे अपन। तो ये हमारा जो बिंदु P है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है, यहाँ से हमने क्या किया, दोनों लाइन को इस तरह से मिलाया। अब यहाँ पर हम सपोज करते हैं बिंदु O है, सपोज करते हैं ये कोण अल्फा है और ये इसका छोटा पार्ट है जिसको हमने लिया डी अल्फा। क्लियर। इसके बाद यहाँ पर हम एक रचना करते हैं, ये जो बिंदु A है वहाँ से पी बी पर एक लंब डालते हैं इस तरह से, ये है ए सी, हमने एक लंब डाला और बिंदु पी पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उस अल्पांश के कारण वो मान लो क्या है, डी बी है, ये हमने लिया। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा कैलकुलेशन है, इसलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको एक वर्किंग स्टेप बता रहा हूँ। ये मेरा अपना एक टेक्निक है इस वर्किंग स्टेप को, वर्किंग स्टेप्स का मतलब होता है इस गणना को हमको किन किन बिंदुओं के आधार पर करना है। तो यहाँ आप चित्र में देखें, यहाँ पर तीन समकोण त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मैं क्रॉस कर रहा हूँ। एक समकोण त्रिभुज ये है ए बी सी, दूसरा समकोण त्रिभुज है ये ए सी पी और तीसरा समकोण त्रिभुज है ए पी ओ। ये तीन मैंने ब्लू इंक से जो क्रॉस किया, ये तीन यहाँ पर समकोण त्रिभुज है। अब इन तीनों समकोण त्रिभुज में आप बारी बारी से क्या करोगे, साइन थीटा कॉस थीटा जहाँ जरूरत है वैसे लगाओगे। तो सबसे पहले वर्किंग स्टेप में हम क्या करेंगे, पहला काम समकोण त्रिभुज ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें हम निकालेंगे क्या। अच्छा देखिए, ये कोण को मान लो मैं थीटा सपोज कर लिया, तो अब ये मिटा देता हूँ मैं इसका। तो यहाँ पर जो अंदर का कोण है ये कोण बन जाएगा कितना, ये कोण हो जाएगा पाई माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 180 डिग्री होता है तो ऊपर थीटा है तो अंदर बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा। तो सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर आप साइन पाई माइनस थीटा निकालोगे और पाई माइनस थीटा जो निकलेगा उसकी सहायता से ए सी का वैल्यू फाइंड करोगे। पहला काम ये हम पहला काम करेंगे, ये आप ध्यान रखना। ये मैं बोर्ड को डिवाइड कर देता हूँ, यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसके बाद दूसरा वर्किंग स्टेप हमारा है, दूसरा काम हम इसमें क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है ए सी पी, समकोण त्रिभुज ए सी पी में इस समकोण त्रिभुज में यहाँ पर डी अल्फा है, यहाँ हम निकालेंगे साइन डी अल्फा और साइन डी अल्फा के हेल्प से भी हम क्या निकालेंगे, ए सी का मान निकालेंगे। यहाँ से भी ए सी का मान निकालेंगे, यहाँ से भी ए सी का मान निकालेंगे और तीसरा काम क्या करेंगे, हम दोनों ए सी को बराबर कर देंगे। ये भी ए सी, ये भी ए सी है, दोनों ए सी को जो हम बराबर करेंगे तो यहाँ से हमको डी एल साइन थीटा का मान निकलेगा। इसके बाद चौथा काम हम क्या करेंगे, ये समकोण त्रिभुज है हमारे पास, हमने दो समकोण त्रिभुज यूज किया ये, अब हम यूज करेंगे समकोण त्रिभुज ए पी ओ या ए ओ पी, ए ओ पी इस समकोण त्रिभुज यूज करेंगे और यहाँ से हम निकालेंगे कास अल्फा, कास अल्फा जो भी निकलेगा उसकी सहायता से हम 1/r का मान निकालेंगे। इसके बाद ये जो मान निकलेगा अपने पास डी एल साइन थीटा का मान निकलेगा, ये डी एल साइन थीटा और 1/r, ये दोनों मान को हम बायो सेवर्ट के नियम में रख देंगे। देखिए मैंने जितना भी बड़ा कैलकुलेशन है इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये 5 मार्क्स में आने लायक के क्वेश्चन है, वो लगभग 15 से 20 स्टेप के बीच का कैलकुलेशन है, कई राइटर ने तो स्कोर बहुत लेंदी किया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो मैं इसको याद रखने का तरीका बनाया हूँ ये एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, ये आपका की पॉइंट है, मतलब कभी भी आप ये वर्किंग स्टेप को याद रखेंगे तो आपको डेरिवेशन आसानी से याद रहेगा। क्लियर। जैसे मैं कई वीडियो में डिस्कस करता हूँ कि मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे जनरली पूछते हैं कि सर कौन से बुक से पढ़ें, सर आप कौन से बुक से पढ़ाते हैं। फाइनली मैं आपको एक बात बहुत ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि यदि आप मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं और उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको
ये एक यूनिक कलेक्शन मिलेगा, एक बुक में वो नहीं मिलेगा। मैंने बहुत सारे बुक की स्टडी करके उसको कलेक्शन किया है। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात कि बहुत से हिंदी मीडियम के स्टूडेंट कंटिन्यूअस मुझे नोट्स के लिए बोल रहे हैं, तो मेरा क्या है, इंग्लिश मीडियम का जो नोट्स है वो तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो मैंने सबका PDF डाला हुआ है इंग्लिश मीडियम का, लेकिन हिंदी मीडियम का मैंने नोट्स नहीं बनाया था, क्योंकि मैं जब रेगुलर ऑफलाइन क्लास में बनाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स में क्लास में ही ड्राफ्टिंग कर लेते हैं, उनको मैं नोट्स करवा देता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास में ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो मैं अभी आपको एक खुशखबरी दे दूँ कि मैं बहुत मेहनत करके आप लोग के लिए वो नोट्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ, और वन बाई वन मेरे फर्स्ट वीडियो से विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो आपने फर्स्ट वीडियो देखा है हिंदी मीडियम का, वहाँ से हो सके तो कल से ही या एक दो रोज में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा हिंदी मीडियम का भी नोट्स अवेलेबल होगा, और धीरे 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 जितने भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा सबके आपको PDF मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं उसके लिए मेहनत करके धीरे धीरे आपको उसको डालूंगा, ओके, तो आप उसको देख सकते हैं। तो ये सब नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा, स्टार्टिंग से मैं डालना स्टार्ट कर दिया। तो ये आप देखिए, ये जो मैंने वर्किंग स्टेप बनाया है, ये वर्किंग स्टेप जो है इसको आप याद रखना, ये एक टेक्निक है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये याद रखने का की पॉइंट है, वर्किंग स्टेप दैट मीन्स की पॉइंट। अब इसको याद है तो इसी के बेस पर मैं काम करूंगा और फार्मूला डिराइव हो जाएगा, देखना आपको बिल्कुल जादू जैसे लगेगा कि यही काम करूंगा और बड़ा डेरिवेशन ऐसी आपको तैयार हो जाएगा। तो फिगर आपको तैयार करना है और वर्किंग स्टेप याद रखना है। अब जो जो यहाँ पर बोला गया है वो काम मैं करता हूँ। देखिए तो हम इसकी गणना ही हैं अपन कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता गणना करेंगे। सबसे पहले हम देखो गणना में सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, माना की लिख लोगे। माना की मतलब जितने भी चर राशि आप इसमें उपयोग में लाए हैं उसको माना की में लिख सकते हैं अपने शब्दों में। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम से, ठीक है, स्टार्ट करेंगे बायो सेवर्ट के नियम से। बायो सेवर्ट का नियम क्या है अपने पास, DB = μ0/4πIdL sin θ/r2। इसको दे देते हैं रिलेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा रिलेशन नंबर फर्स्ट है। अब यहाँ पर आप देखिए बायो सेवर्ट के नियम के बाद हम यहाँ पर जो मैं आपको वर्किंग स्टेप बताया हूँ, वर्किंग स्टेप बताने का मतलब ही था कि गणना कैसे करना है, ये हमारा की पॉइंट है। और मैं हमेशा कोई भी बड़ा फार्मूला डेरिवेशन है उसमें इस तरह से वर्किंग स्टेप में बना के रखा हूँ, आगे भी सारे डेरिवेशन मैंने वर्किंग स्टेप के स्टाइल पर ही किया है। ये यदि एक स्टूडेंट को 4 पॉइंट याद हो तो पूरा कैलकुलेशन वैसे ही कर लेगा। अब देखिए मैं इसी को फॉलो अप करके आपको इसको समझा रहा हूँ। तो पहला काम क्या मैंने बताया, समकोण त्रिभुज ABC में आपको sin π - θ निकालना है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABC में हम निकालते हैं sin π - θ, और साइन थीटा बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है AC और कर्ण है AB, तो ये हो जाएगा AC/AB। दैट इम्प्लाइज यहाँ से मैंने वर्किंग स्टेप में देखिए क्या निकालने के लिए बोला है, ये AC निकालने बोला है, तो उसकी सहायता से हम AC निकाल लेंगे। तो AC निकालने के लिए इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, sin 180 - θ क्या होता है, sin θ होता है। तो AC और AB का वैल्यू क्या है, DL अल्पांश की लंबाई है। दैट इम्प्लाइज यहाँ से AC = हो जाएगा DL sin θ, ये रिलेशन नंबर सेकेंड। ये हमने AC का मान निकाले, पहला वर्किंग स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड वर्किंग स्टेप पे आते हैं, समकोण त्रिभुज ACP में, तो ये है समकोण त्रिभुज ACP में, यहाँ मैंने निकालने बोला है क्या, sin dα, तो ये हो जाएगा sin dα। तो यहाँ पर देखो चित्र में sin dα, लंब AC है और बटे इसका जो यहाँ पर जो कर्ण है वो क्या है, R है, तो ये हो जाएगा AC/R। दैट इम्प्लाइज अब sin dα, तो dα अत्यंत छोटा कोण है, तो साइन के सामने का कोण यदि बहुत छोटा हो तो वो क्या हो जाता है, जैसे sin θ θ बन जाता है, आपने बहुत बार यूज़ किया है। तो sin dα को हम लिख सकते हैं dα = हो जाएगा AC/R। दैट इम्प्लाइज R को इधर ट्रांसफर कर दें, AC = R (dα)
रिलेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट वर्किंग स्टेप में आइए, ये हमारा दूसरा वर्क पहला हो गया, दूसरा वर्किंग स्टेप क्लियर हो गया, एसी कमांड निकाल लिया। दोबारा तीसरा वर्किंग स्टेप में मैंने बताया है कि दोनों एसी को क्या करो, आप आपस में बराबर कर दो। तो वही काम कर लेते हैं, देखिए दो तथा तीन से, इसलिए दो तथा तीन से, तो दो से एसी कमांड क्या है, डीएल साइन थीटा, डीएल साइन थीटा, और ये किसके बराबर है, आर इंटू डी अल्फा, ये रिलेशन नंबर फोर। देखिए मैंने वहाँ पर बताया था कि आपको डी एल साइन थीटा का मान निकल जाएगा, अपने आप निकल गया डी एल साइन थीटा का मान। अब चौथा वर्किंग, आप यहाँ पर ध्यान दे रहे होंगे कि मैं जो की पॉइंट बनाया हूँ इसके लिए उसी पर मैं काम करते जा रहा हूँ, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है ना, आप नोट्स में लिख सकते हैं लेकिन एग्जाम में, इसीलिए मैंने इसको ब्लू इंक से अलग से इसको हाईलाइट किया है। अब समकोण त्रिभुज एओपी में नेक्स्ट स्टेप है हमारा, समकोण त्रिभुज एओपी, समकोण त्रिभुज एओपी में यहाँ पर क्या निकालने की बात मैंने किया, कॉस अल्फा। आप फिगर में देखिए, यहाँ से यदि हम कॉस अल्फा निकालें तो कॉस अल्फा क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यहाँ पर डी और कर्ण क्या है आर, ये हो जाएगा डी अपन आर, दैट इम्प्लाइज यहाँ से हमको किसका मान निकालना है, ये वन अपन आर का, ठीक है। ये देखिए इस वर्किंग स्टेप में मैंने बोला है कि वन अपन आर का मान निकालो, तो वहाँ पर डी को इधर ट्रांसफ़र कर दें तो ये वन अपन आर हो जाएगा, तो वन अपन आर इक्वल टू कॉस अल्फा अपन डी, ये हो गया रिलेशन नंबर फाइव। अब हमको क्या करना है, ये जो डी एल साइन थीटा का मान हम निकाल के रखे हैं चार में और एक में, देखो ये बायस सेवर्ट के नियम में ये है डी एल साइन थीटा, तो इस डी एल साइन थीटा की जगह में हम क्या करेंगे, समीकरण चार से उसका मान को पुटअप कर देंगे, तो इसलिए एक तथा चार से, समीकरण एक और चार से हम लिखें तो डी बी इक्वल टू निकल जाएगा, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और आई इंटू डी एल साइन थीटा का वैल्यू है आर इंटू डी अल्फा, आर इंटू डी अल्फा और अपान आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज इसको सॉल्व करें तो डी बी इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपान फोर पाई आई डी अल्फा अपान एक आर, कैंसिल होगा इसके साथ तो नीचे बचेगा आर। अब देखिए यहाँ पर ये जो वन अपान आर का वैल्यू हम निकाल के रखे हैं, यहाँ से इस वन अपान आर के वैल्यू को यहाँ पर पुट अप कर देते हैं, क्लियर, तो क्या हो जाएगा अगला रिलेशन हमारा, दैट इम्प्लाइज डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू वन अपॉन आर का वैल्यू क्या है, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा और वन अपॉन आर के मान को हमने यहाँ पर पुट अप कर दिया है, ये है रिलेशन नंबर सिक्स। क्या किया आपको समझ में आ गया, वन अपान आर का वैल्यू कॉस अल्फा, सॉरी यहाँ पर अपान में डी ना, कॉस अल्फा अपान डी यहाँ पर ला के पुट कर दिया, ये जो कॉस अल्फा अपान डी है ये यहाँ से पुट किया गया है। अब ये जो समीकरण में समीकरण नंबर छः यहाँ पर निकाला हूँ, ये है अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अल्पांश के कारण, लेकिन हमको निकालना है एक लंबे तार के लिए। अभी जो समीकरण नंबर आप छः देख रहे हैं वो इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। अब यदि हम तार के लेंथ को बढ़ा दें, सपोज हम तार के लेंथ को बढ़ा के यहाँ पर एक पॉइंट हम ले लिए हैं ये एक्स और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिए हैं वाई, इस प्रकार से दो पॉइंट ले लें और ये नीचे के कोण को ले लें अपन अल्फा वन और ऊपर का जो एक कोण बना हुआ है उसको सपोज ले लें अल्फा टू, तो अब हम इस तार को एक्स वाई तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम वर्ग को आगे बढ़ा रहे हैं, सबसे पहले अल्पांश के लिए निकाला, अब हम निकालेंगे तार एक्स वाई के लिए, क्लियर। तो इसलिए चालक एक्स वाई के लिए क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उसको हम बी से प्रदर्शित कर दिए, तो समाकलन हो जाएगा किसका, डी बी का, डी बी एक छोटे लंबाई के लिए है और उसको हम समाकलन कर दें, समाकलन मतलब जोड़ना होता है, तो समाकलन करने से हमको पूरे तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात हो जाएगा
और यहाँ पर हम इसकी सीमा रखेंगे, तो देखिए इसका सीमा अल्फा वन और वाई का सीमा क्या हो जाएगा अल्फा टू। तो यहाँ पर हम इसमें लिमिट पुट कर दिए, लोअर लिमिट अल्फा वन और अपर लिमिट अल्फा टू, और अल्फा वन को माइनस लिए, माइनस इसलिए लिए क्योंकि ये क्या है मूल बिंदु से नीचे का कोण है, इसलिए वो निगेटिव डायरेक्शन में। अब यहाँ पर डी पी के मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे और उसको समाकलन करेंगे, तो हमको चालक एक्स वाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का गणना हो जाएगा। अब मैं बीच के पोर्शन को इरेज कर रहा हूँ, मिटा रहा हूँ इसको, ठीक है। आप चाहें तो इतने पूरे का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, और या तो मैं आपको बता दिया कि मैं तो नोट्स आपको अवेलेबल करा रहा हूँ, तो नोट्स में सब मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हम इसको इरेज करके अब इसको समाकलन करते हैं। समाकलन करेंगे, समाकलन करना आपको सबको आता है, और यदि नहीं आता है तो सॉल्यूशन मैं बार बार आपको बता चुका, मेरे मैथमेटिकल टूल्स के वीडियो देखिए आप, वहाँ मैंने आपको समाकलन सिखाया है। दैट इम्प्लाइज, अब आगे इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये है बी, दैट इम्प्लाइज बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस अल्फा वन टू अल्फा टू, और ये डी बी के मान को ऊपर से ला के पुट करता हूँ मैं, ये है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा अपॉन डी, दैट इक्वल कांस्टेंट क्वांटिटी का समाकलन नहीं होता, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी माइनस अल्फा वन से अल्फा टू और कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा, दैट इक्वल ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी। अब ये कॉस अल्फा का जो समाकलन होता है, तो कॉस अल्फा का समाकलन क्या होता है साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और लिमिट हो जाएगा माइनस अल्फा वन से अल्फा टू, कॉस का समाकलन होता है साइन अल्फा, क्लियर है, ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा। दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी। मैं एक बात आप लोग को बार बार याद दिला रहा हूँ, खासकर आप में से जितने बायो के स्टूडेंट होंगे जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, इस तरह से समाकलन वगैरह में आपको दिक्कत आता है, तो मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है बेसिक मैथमेटिकल टूल्स, वहाँ से आप अवकलन समाकलन का एक सेपरेट वीडियो है, बहुत अच्छे से उसको बार बार देख के स्ट्रांग करिए, तो फिजिक्स आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो फिर ऐसे जगहों में कई स्टूडेंट प्रॉब्लम महसूस करते हैं मुझे मालूम है। अब यहाँ पर हम लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा साइन अल्फा टू माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा साइन माइनस अल्फा वन, ये लिमिट हमने पुटअप कर दिया वहाँ पर, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन डी, ये हो जाएगा साइन अल्फा टू और माइनस साइन माइनस थीटा का वैल्यू होता है माइनस साइन थीटा, तो प्लस हो जाएगा और ये हो गया साइन अल्फा वन। ये हमको जो निकल गया वो चुंबकीय, इसको मैं एक संकेत दे देता हूँ बी एक्स वाई समझने के लिए, ये बी एक्स वाई, सॉरी बी तो लिखा है एक्स वाई, तो ये हमको निकल गया बी एक्स वाई का वैल्यू, मतलब ये जो फार्मूला निकला है वो चालक तार एक्स वाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला है, मतलब यहाँ ये फाइनल इक्वेशन है एक्चुअल में, कि यदि तार की लंबाई एक्स वाई हो तो उसके कारण इस बिंदु पी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान इतना होगा, यदि न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम में हमको अल्फा वन दे दे अल्फा टू दे दे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है ये दे दे और उस चालक तार से कितनी दूरी पर तीव्रता ज्ञात करना है दे दे, तो हम यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की गणना कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन है, आगे और एक स्पेशल कंडीशन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ना, लेंदी कैलकुलेशन है लेकिन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे एक कंडीशन हम पढ़ते हैं और वो है अनंत लंबाई के चालक के लिए। अब यदि हमारा जो चालक है वो अनंत लंबाई का हो जाए, कहने का मतलब क्या है, इसकी लंबाई को हम आगे बढ़ा के अनंत तक कर दें और इधर भी क्या कर दें अनंत तक कर दें, मतलब चालक तार की लंबाई अनंत अपरिमित कर दें इनफाइनाइट कर दें, तो क्या होगा, तो यहाँ पर एक इमेजिनेशन को आप देखिए,
जैसे जैसे हम चालक तार की लंबाई को ऊपर करते जाएंगे ये कोण का मान बढ़ते जाएगा, और नीचे भी जैसे जैसे चालक तार की लंबाई को हम करेंगे ये अल्फा वन का मान बढ़ते जाएगा, और अधिकतम कितना बढ़ेगा, अधिकतम 90 अंश तक बढ़ेगा क्योंकि 90 डिग्री होने के बाद वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। तो अनंत लंबाई के चालक तार के लिए अल्फा वन का मान भी 90 डिग्री होगा और तथा अल्फा टू का मान भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर। इसलिए अब हम उसके मान यहाँ पर भर दें तो b बराबर, अब हम इसको b कह दिए तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, और यहाँ पर हम अल्फा वन अल्फा टू के मान को भर देते हैं 90 अंश को, तो ये हो जाएगा साइन 90 प्लस साइन 90। दैट इम्प्लाइज b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी, और साइन 90 का मान 1, इसका भी मान 1, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो देयरफॉर b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 प्लस 1 2, तो 2 आई अपॉन डी। ये जो मैंने फार्मूला निकाला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई अपॉन डी, ये अनंत लंबाई के चालक के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। ये जो निकाला है वो एक्स वाई लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और ये फाइनल इक्वेशन जो निकाला है वह अनंत लंबाई के चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये हुआ हमारा बायो सेवर्ट नियम का पहला एप्लीकेशन, सरल रेखीय चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की। अब हम इसका सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। सेकंड एप्लीकेशन में हम पढ़ेंगे वृत्ति कुंडली। अभी हमने पढ़ा सरल रेखीय चालक, अब वृत्ति कुंडली। देखिए आप लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको मिला लेना, क्योंकि अभी कोविड 19 के कारण जो 30% सिलेबस CBSE ने रिड्यूस किया है, स्टेट बोर्ड ने अलग अलग हिसाब से रिड्यूस किया है, लेकिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। इन दोनों में से एक तो आपको एग्जाम में आना ही है, या यदि एक सिलेबस में हो तो उसको आना ही है, ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक के बिना इस चैप्टर का मतलब भी नहीं है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है। सेकंड एप्लीकेशन अब पढ़ते हैं। सेकंड एप्लीकेशन फर्स्ट से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड वृत्ति या वृत्ताकार कुंडली, जिसको हम लूप भी कह सकते हैं, लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। या खाली चुंबकीय क्षेत्र लिख सकते हैं कि तीव्रता की हम गणना करेंगे। यह है वृत्ति कुंडली या लूप के कारण, मतलब सर्कुलर क्वाइल। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम जिस प्रकार अभी स्ट्रेट लाइन बनाए थे एक सर्कुलर क्वाइल निकालेंगे और उसके अक्ष पर हम उसकी तीव्रता ज्ञात करेंगे। यदि हम सर्कुलर क्वाइल को साइड से देखें, किनारे से देखें, तो इस तरह से हमको वो दिखाई देगा, थोड़ा बेंड इस तरह से। ये आपके दिमाग में आएगा कि सर सर्कल तो ऐसा होता है, तो हमने इसको ऐसा क्यों बनाया, थ्री डायमेंशन शो करने के लिए, क्योंकि हमको इसके अक्ष को रिप्रेजेंट करना है। तो ये इसका अक्ष है, इस वृत्ति कुंडली का अक्ष है। यहाँ पर प्रवाहित धारा आई है। देखिए जब मैं फिगर को एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको ध्यान से समझना है, क्योंकि आगे का पूरा कैलकुलेशन चित्र पर ही आधारित होता है। तो ये अक्ष है और इस अक्ष के किसी बिंदु पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना है। हम इसके त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल a, ये इसका केंद्र O है। क्लियर। अब हमने इस कुंडली के परिधि पर AB एक स्मॉल लंबाई, स्मॉल लेंथ, DL लंबाई का एक अल्पांश ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इस अल्पांश को इस बिंदु से मिलाएंगे जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करना है। बिंदु P है, अब मान लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, DB है, और हमारा ये अल्पांश है क्या, AB। इस बिंदु का हमने नाम ले लिया सपोज C, इस तरह से। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो अल्पांश है, ये जो अल्पांश है उसके कारण इस बिंदु P पर इस दूरी को हमने R मान लिया। जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है DB, इसकी दिशा यहाँ पर, सॉरी, इसकी दिशा हम
इसके लंबवत शो करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुंडली के कारण जो दिशा होती है वो लंबवत होती है। तो इस रेखा पर, ये पी को बाद में लिख दूंगा मैं, इस पर ये लंबवत दिशा में डी बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। इस प्रकार से सपोज हम इस कोण को फाई मान लेते हैं, ये कोण मान लो फाई है, और ओ से लेके इस बिंदु पी, इसका नाम अब मैंने दिया यहाँ पर पी, इसकी दूरी मान लो एक्स है, ये एक्स दूरी पर है। अब यहाँ पर डी बी के दो हम घटक निकालेंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये इसका क्षैतिज घटक है। तो यहाँ पर कोण को आप ध्यान से समझिए, ये कोण यदि फाई है तो ये जो ये इलम्ब है यहाँ पर, ये वाला जो कोण है 90 माइनस फाइव हो जाएगा, और ये जब 90 माइनस फाइव होगा तो ये फाइव होगा, तभी टोटल कितना होगा 90 होगा, ये फाइव हो गया। इस तरह से यदि हम डी बी के दो घटक निकालें तो फाइव डी बी का लगा हुआ भुजा है, ये हो जाएगा डी बी कास फाइव घटक, जो मान लो पी एन दिशा में है, और ये क्षैतिज घटक होगा जो कि हो जाएगा डी बी साइन फाइव, पास वाला कास होता है, दूर वाला साइन होता है। क्लियर यहाँ तक? अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका व्यासाभिमुखी डायमेट्रिकली अपोजिट एक पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, एक सी डैश, इसकी भी लंबाई को हम डी एल ले लेते हैं, और ये है ए डैश बी डैश, इसको भी हम यहाँ से मिला देते हैं इस तरह से, यह भी दूरी आर होगा, मतलब एग्जैक्ट जो वर्क ऊपर किया वो नीचे कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए, अब मैं इसको ब्लू इंक से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये है फाई एंगल, यहाँ पर ये भी फाई होगा, यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का दिशा ये होगा, इसके भी दो घटक होंगे ये और ये, चूँकि ये फाई है तो यहाँ पर ये फाई होगा, ये 90 माइनस फाई, ये फाई होगा, ये सपोज पी एन डैश डायरेक्शन है, ये पी एन डायरेक्शन, पी एन डैश डायरेक्शन, और यहाँ पर भी इसका घटक क्या हो जाएगा डी बी कास फाई, और यहाँ पर घटक हो जाएगा डी बी साइन फाई। इस तरह यहाँ पर मैंने ब्लू इंक से जो आपको यहाँ पर घटक बताया है वो इस अल्पांश के कारण यहाँ पर घटक है। अब इस चित्र को आप ध्यान से समझिए, सब कुछ चित्र पर ही बेस्ट है, इस चित्र को आप ध्यान समझिए, तो ये जो डी बी कास फाई घटक है वो डी बी कास फाई घटक के जस्ट अपोजिट है और परिमाण में बराबर है, तो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, और डी बी साइन फाई जो घटक है उनकी दिशा समान है, वो आपस में जुड़ते जाएंगे। ऐसे जितने भी हम छोटे छोटे यहाँ पर इसके कंपोनेंट्स लेंगे, घटक लेंगे, वो सब में जो कास घटक है वो कैंसिल हो जाएगा और साइन घटक क्या हो जाएगा, ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फिगर बनाने के बाद बायो सेवर्ट के नियम से लिखेंगे, जो इसके पहले हमने लिखा था, इसमें वर्किंग स्टेप का ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा कैलकुलेशन है। तो बायो सेवर्ट के नियम से हमको पता है डी बी इक्वल टू होता है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमको पता है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ध्यान देना आप, कि ये जो कोण है जो कि अल्पांश से उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बना कोण है, जो यहाँ पर थीटा होता है बायो सेवर्ट के नियम में, और ये यहाँ पर 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा हमेशा वृत्त की परिधि पर क्या होता है, लंब होता है। तो 90 डिग्री होने के कारण ये साइन 91 हो जाएगा, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने याद के लिए लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 90, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ये हो गया बायो सेवर्ट के नियम से। अब हम यहाँ पर घटक को एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले इसके घटक डी बी के घटक, तो डी बी के हमारे पास यहाँ पर दो घटक हैं, डी बी कास फाई डी बी साइन फाई। तो पहला घटक हम लिखते हैं डी बी कास फाई, और इसकी दिशा आप बता दीजिए, यह है पी से एन की ओर, तो दिशा बताना जरूरी है, पी एन, यहाँ पर हमने एरो लगा दिया, ये पी एन। और जो दूसरा घटक है वो है
डी बी साइन फाई, और इसका घटक है क्या, देखिए यहाँ से ओ से पी की ओर ये क्षैतिज दिशा में, ये डी बी साइन फाई तय हो गया ओ पी दिशा में। इसी प्रकार पुनः डी बी के घटक नीचे वाले, ये डी बी के घटक जो हमने नीचे लिया हुआ है, यहां पर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कंप्लीट, तो वो क्या हो जाएगा, पहला डी बी कास फाई और इसका दिशा होगा पी एंड एस, यहां चित्र में देखिए पी एंड एस, और जो दूसरा घटक है वो होगा डी बी साइन फाई, उसका डायरेक्शन ओपी, ये होगा। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए, यहां पर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, क्या एक्सप्लेनेशन लिखेंगे यहां पर, कि ये जो घटक है डी बी कास फाई घटक और डी बी कास फाई घटक दोनों की दिशा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, इसलिए दोनों एक दूसरे के को निरस्त कर देंगे, जबकि डी बी साइन फाई की घटक ओपी और डी बी साइन फाई के घटक ओपी दोनों की दिशा समान है, इसलिए क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे इसलिए परिणामी तीव्रता, तो परिणामी तीव्रता बी बराबर हो जाएगा सिग्मा डी बी साइन फाई, सिग्मा का मतलब होता है योग और डी बी साइन फाई का मतलब ये सभी साइन फाई घटक का योग, दैट इक्वल, यहां पर हम इसके मान को रख दें तो सिग्मा डी बी साइन फाई, डी बी का वैल्यू हम यहां से लाके पुट कर देंगे बायस सेवर्ट के नियम से, तो बायस सेवर्ट के नियम से जो डी बी का वैल्यू है वो कितना है, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर और इंटू साइन फाई, साइन फाई यहां से देखिए तो साइन फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर आप इस चित्र में देखिए R का जो मान होगा वो कितना होगा, ये एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए तो ये लंब है A और ये क्या है, आधार है, तो R का मान यहाँ पर हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, क्लियर। तो यहाँ पर ये जो साइन फाई का जो वैल्यू है वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है यहाँ पर ए और कर्ण क्या है यहाँ पर आर, तो ये हमने लिख दिया, एक बार उसने मान उसी रूप में लिख देता हूँ मैं, ए अपान आर, तो आई डी एल अपान आर स्क्वायर इंटू ए अपान आर हो जाएगा, दैट इक्वल, इसको हम सॉल्व करें तो कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर कर लें, म्यू नॉट अपान फोर पाई, ये आई बाहर हो जाएगा, ए बाहर हो जाएगा और ये आर का घात तीन हो जाएगा, और सिग्मा के अंदर हम लिख सकते हैं डी एल। अब यह सिग्मा डी एल का अर्थ यहाँ पर क्या है, आप इसको थोड़ा सा केयर करिए, ये सिग्मा डी एल क्या चीज है, ये डी एल है और सिग्मा डी एल मतलब ऐसे छोटे छोटे पूरे अल्पांशों का योग, तो छोटे 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 सभी जब डी एल एड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, वृत्त कंप्लीट हो जाएगा, जो कि वृत्त की परिधि हो जाएगा, तो हम सिग्मा डी एल को क्या लिख सकते हैं, वृत्त की परिधि लिख सकते हैं। तो आगे हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाएगा, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू ए अपॉन आर क्यूब और ये हो जाएगा वृत्त की परिधि जो कि हो जाएगा टू पाई ए, क्लियर, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई ये टू पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर थ्री। आगे और सॉल्व करें, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई 2 पाई आई इंटू ए स्क्वायर अपान, यहाँ पर देखिए ये जो मैं चित्र में लिखा हूँ r का मान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो उसके मान को हम r के जगह भर दें तो रूट का मतलब होता है घात एक बटे दो और यहाँ पर घात तीन है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का घात तीन बटे दो। अब यदि क्या हो, फेरों की संख्या, यदि फेरों की संख्या, फेरे क्या है n हो, अभी हमने केवल क्या लिया है एक तार लिया है, लेकिन ऐसे n बार यदि तार को बाइंडिंग किया गया है, लपेटा गया है,
कि बार 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 तार को लपेटा गया है, कितने बार, n बार लपेटा गया है, तो n किससे मल्टीप्लाई होएगा, तो इसलिए b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई इंटू ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3/2 हो जाएगा। और ये जो सूत्र यहाँ पर निकाला गया है, यह वृत्तीय कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर, देखिए ध्यान दीजिए ना, ये उसका अक्ष है और अक्ष पर कोई बिंदु P है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये इसका फाइनल इक्वेशन है, और इसमें हम चाहें तो एक कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, और वो कंडीशन हो जाएगा कुंडली के केंद्र पर, कुंडली के केंद्र पर। सपोज हम इसको कुंडली के केंद्र पर निकालना चाहें, तो चित्र में देखिए, ये यदि बिंदु P कुंडली के केंद्र पर आ जाए, मतलब यहाँ पर आ जाए, तो x का मान कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये बिंदु यहाँ आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो कुंडली के केंद्र पर x का मान 0 हो जाएगा, और इसलिए उस समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B सेंटर लिख दिया मैं, ये सेंटर पर है ना, B सेंटर, तो वो हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई ए स्क्वायर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, सेंटर में आने पर ये एक्स स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जब इसका मान 0 हो जाएगा, तो a का वर्ग और घात 3/2 में 2 कट जाएगा, तो a का घात कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a^3, दैट इम्प्लाइज इसको सॉल्व कर दें तो b इक्वल हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर घात 3 है, तो एक एक कट जाएगा, तो 2 पाई एन आई अपॉन ए। ये जो मैं फाइनल इक्वेशन यहाँ पर लिखा हूँ, ये फाइनल इक्वेशन क्या है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। जैसे आपको एग्जाम में कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछे, तो ये फाइनल इक्वेशन है। लेकिन यदि आपको केंद्र पर पूछे, तो ये एक लाइन आपको और एक्स्ट्रा उसमें कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कई बार कंडीशनल फार्मूला हमको पूछता है, और न्यूमेरिकल्स में तो नेचुरली जैसा पूछेगा वैसे आपको बनाना है। तो ये हो गया वृत्तीय कुंडली, जिसको हम लूप कहते हैं, के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना बाय सेवर्ट नियम की सहायता से। अब इसमें ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर मैं आपको एक स्पेशल केस बता दूँ कि ये जो हम केंद्र पर निकाले हैं, बाय द वे हमारे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन केंद्र पर निकालने के लिए आता है, तो हमको इतने लेंदी प्रोसेस से जाने का जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यदि अक्ष पर बोले तो ऐसा ही निकालना पड़ेगा, और अक्ष के साथ केंद्र पर बात करें तो ऐसा निकालना पड़ेगा। लेकिन डायरेक्ट केंद्र पर आपको पूछता है कि सीधा केंद्र पर उसकी गणना कीजिए, तो आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, उसको बस मैं एक छोटा सा डेरिवेशन है आपको बता देता हूँ। तो ये कंप्लीट होता है अक्ष के किसी बिंदु पर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप ढंग से तैयार करेंगे, ये लगभग बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता ही रहता है, और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसी के हम सेकंड कंडीशन पढ़ते हैं, केंद्र पर, डायरेक्ट केंद्र, अभी भी हमने केंद्र पर निकाला है लेकिन कंडीशनल निकालना है। अब हम पढ़ते हैं, वृत्तीय कुंडली के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सीधा कहाँ पर, केंद्र पर, एट सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इसके लिए जो हम फिगर बनाएंगे उसमें सीधा हम सर्कल को बना दिए, सर्कल, और इस सर्कल में ये सपोज हमने धारा प्रवाहित किया है आई, और इसकी हमने त्रिज्या को ले लिया, ये त्रिज्या ए है, इसका केंद्र ओ है, और इस पे छोटे छोटे अल्पांश, ये अल्पांश हम छोटे छोटे अल्पांश इसमें ले रहे हैं, जिसका नाम लिख दिया मैं x1, x2, x2, x3, x3, x4 एंड सो ऑन। तो यहाँ कोई लेंदी फिगर नहीं बनता, कॉम्प्लिकेटेड फिगर नहीं बनता, ये बहुत ही आसान है, और कैलकुलेशन भी बहुत ही आसान है, लेकिन फार्मूला वही आएगा जो अभी हमने निकाला है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पर निकालते हैं क्या, बायो सेवर्ट के नियम से ये इजी कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर त्रिज्या को ए लिया है तो ए स्क्वायर, रिलेशन नंबर फर्स्ट, और साइन थीटा को हमने 90 डिग्री ले लिया, अभी आपको बताया।
इसलिए अल्पांश अल्पांश x1 x2 ये अल्पांश, इस अल्पांश की बात हो रही है x1 x2 के लिए, इसके लिए हम अप्लाई करें तो उसको हमने कह दिया db1 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई। अब इस अल्पांश का नाम हमने x1 x2 लिखा है तो लिख दीजिए x1 x2 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला फॉर्म है, r ही रहने दीजिए। अब r का वैल्यू, त्रिज्या का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर लिख दिया। इसी प्रकार अब इसी प्रकार किसके लिए, x2 x3 के लिए, तो db2 इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई इंटू एक्स टू एक्स थ्री अपॉन ए स्क्वायर एंड सो ऑन। ऐसे सबके लिए निकालेंगे, ऐसी एक्स टू एक्स फोर एक्स फोर अप टू जितने पॉइंट हैं, तो दो को निकाल के बता देना है। और इसके बाद सीधा हम लिखेंगे इसलिए परिणामी तीव्रता, इसलिए आप परिणामी तीव्रता निकालेंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता b बराबर डी बी वन प्लस डी बी टू प्लस एंड सो ऑन। सबको सीधा एलजेब्रिक सम, सबको अपन सीधा सीधा जोड़ देंगे, दैट इक्वल जो कॉमन है म्यू नॉट अपॉन फोर पाई और i अपॉन ए स्क्वायर, ये कॉमन है तो अंदर बच जाएगा x1 x2 प्लस x2 x3 प्लस एंड सो ऑन, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए स्क्वायर। और ये सब का योग, आप चित्र में देखिए, ये सब अल्पांश आपस में जुड़ेंगे तो बन जाएगा वृत्त की परिधि जो कि क्या है 2 पाई ए, दैट इक्वल म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई अपॉन ए स्क्वायर, और ए ए के साथ में कट जाएगा, ए के कट जाएगा तो हो जाएगा 2 पाई आई। अब यदि फेरों की संख्या कुछ नहीं है इसमें, बहुत आसान है, लेकिन मैं इसको इसलिए बताया कि जैसे डायरेक्ट सेंटर पर हो तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब यदि फेरों की संख्या n हो तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू पाई n का मल्टीप्लाई कर दिए अपॉन a। अभी आपको ध्यान होगा यही फार्मूला हमने सेंटर के लिए निकाला था, तो सेंटर के लिए जो हम फार्मूला उतना लेंदी निकाले थे वो बहुत शॉर्टकट निकल जाता है, तो मैं आपको प्रॉपर इस तरह से गाइड किया, कुंडली के अक्ष पर निकालने बोले और साथ में केंद्र पर पूछे तो पहला वाला विधि आप अपनाइए, और यदि सीधा केंद्र पर बोले तो इस तरीके से भी आप उसको निकाल सकते हैं। तो ये आज के वीडियो में मैंने दो बड़ा डेरिवेशन आपको पढ़ाया, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ाया, और दोनों डेरिवेशन जो बायो सेवर्ड का नियम का एप्लीकेशन है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, और कॉम्पिटिटिव में न्यूमेरिकल्स में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है। ओके, थैंक यू।